गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एसमिना व्लॉग्स। बुने यहाँ पे देखो, ये झाल काट रखे है तोरिया का, जो इस पर लगा हुआ था, क्योंकि ये सूख ही चुका है यहाँ पे देखो। और अभी अम्मा बब्बू चाय पी रहे हैं। आजकल सुबह शाम ठंडा भी हो ही रहा है, अभी तो बिल्कुल मस्त वाली धूप आ रही है, तो अम्मा लोग भी धूप में बैठे हुए हैं एंड दिन में तो गर्म हो ही रहा है। अभी मम्मी गई हुई है घास काटने के लिए, आज हमारी घास की कटाई है, तो वहाँ आज खाना भी ले आना पड़ेगा। तो अम्मा बना रही है नीचे खाना, खाना बनते ही जाएंगे हम मम्मी लोगों को खाना देने के लिए। और वो देखो यहाँ पे खाने भी बन चुके हैं, अब हम ले आएंगे मम्मी लोगों के लिए खाना। यहाँ पे देखो ये डब्बे में पैक कर दिया है दाल और भात। ऊपर वाले पहाड़ पे आना है, वहाँ पे वाले देखो दिखाई दे रहे हैं बहुत। बुब्बू और में आने वाले हैं, बुब्बू ने भी अपनी लट्ठी पकड़ ली है। और अभी यहाँ पे देखो इस पे दो बोतल रखे हुए फ्रिज के, तो अब चलते हैं सीधे ऊपर को। गांव से ऊपर तो आज के दिन नीचे से हमारा गांव, तो अभी चलते हैं थोड़ी सी ऊपर जाना है। यहाँ पे बुब्बू आगे से चल रहे हैं, देखो ये लाठी लेके। यहाँ पर को तो घास कट चुके हैं, कहीं कहीं पर ही नहीं कटे वैसे बीच बीच में। देखो ये अभी मम्मी लोग वहाँ काट रहे, ऊपर धूप भी लग रही है अभी, जैसे मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि दिन में हो ही रहा है गर्म, तो धूप तो लग रही है। मम्मी इतने धूप में भी मम्मी लोग घास काटते हैं, क्योंकि गए बच्चों के लिए चीज होता है ना। तो अभी चलते हैं जल्दी से, यहाँ पर से आएंगे ऐसे ऊपर को। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे अपना सामान रख लेते हैं। ये देखो इसे तो रख दिया है, और मम्मी लोग वहाँ पे काट रहे हो, ताई हो गए और मम्मी हो गए, वो काट रहे हैं वहाँ पे अभी घास। अभी तो हमें टुनी के बैठ के छाए पे बैठे हैं, इतनी मस्त हवा चल रही है ना यहाँ पे, अभी मज़ा आ रहा है। तो फाइनली पहुँच गए हैं, अभी हमने भी खाना नहीं खाया हुआ है, हम घर जाके खाएंगे, मम्मी लोगों को दे देंगे अभी यहाँ पे खाना। फिर अगर कुछ थोड़ी बहुत एक दो पू घा ले आना होगा तो जानवरों के लिए वो ले आएंगे। और यहाँ पे घास काट के देख सकते हो बिछा रखे है, ताकि ये सूख जाएगा, सूखने के बाद घास हल्की हो जाती है, तो ले जाने में सही रहता है, फिर उसके बाद इसके लुपटे डलते हैं। अभी मैंने मम्मी से पूछा खाना, मम्मी कह रही है हिपरी लाओ ऊपर को, चापर को छाए थे बढ़िया काट रहे हैं। बुब्बू तो थक चुके हैं, उनके पैर में भी दर्द हो रही है, तो बुब्बू यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो मैं इन्हें ले जाता हूँ अब जल्दी से वहाँ पर को। बुब्बू यहाँ पे मेरा वेट करेंगे, फिर एक साथ जाएंगे घर को, तो जल्दी से इसे ले चलते हैं ऊपर को जा। अभी चलते हैं जल्दी से, पहुँच ही चुका हूँ मैं ऊपर, थोड़ी बहुत आगे और जाने हैं वहाँ पर को, तो चलते हैं। भारी हो रहे हैं, एक तो एक हाथ में लाना पड़ेगा नहीं, इस वजह से यहाँ पर तो थोड़ी देख के आना पड़ेगा, क्योंकि घास भी छा रखी है, तो इसमें पैर भी चल सकता है। तो चलते हैं अब जल्दी जल्दी और देख के आते हैं मम्मी को खाना। ये तो रख दिया है, अभी इसको रखे वहाँ पे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसे फिसल जा रहे हैं, वरना सीधे वो नीचे को जाएगा। देखो ये बाहर कैसे यहाँ पर से नीचे को, बुबू तो वहाँ पे बैठे हो नीचे बिल्कुल मस्त तरीके से छाए पे। और मम्मी अभी यहाँ पे बांध रही है घास। मम्मी कैसा लग रहा घास काटते हुए? और एक आप पीछे को देखो, कितना खतरनाक वाला व्यू आ रहा है। ठीटे पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, मम्मी कह रही है इनको एक कट्टे में मतलब झूले में रख ले घर ले आना, क्योंकि गर्मी भी लगती नहीं है ना, तो ये आग जलाने के काम आती हैं, तो इनको भी जल्दी से इस वाले झूले पे रखते हैं, जो ये साइड पे दिखाई दे रहे हैं पिंक पिंक है। तो ये चलते हैं सीधे घर को, क्योंकि भूख भी लग रही है ना, घर जाके खाना आएंगे। एक बार यहाँ पे देखो मम्मी लोगों ने कितने ज़्यादा इकट्ठा कर रखे हैं, तो इन्हें भी भरते हैं। ये चीड़ के पेड़ से गिरते हैं, देखो अभी उस पर लगाया हुआ है, फिर ये गिर जाते हैं जब पूरे खुल जाते हैं ना, ऐसे करके इतने तो इसको भर दिए और भरते हैं। अब मम्मी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, घास के फूल इकट्ठे कर लिया मम्मी ने यहाँ पे, ये देखो ये गए बच्चों के लिए, तो अब ये दे देते हैं मम्मी को, ये भी इसमें बा देंगे ना मम्मी का तद भी, तो इसको भी इस पर बा जाएगा फाच में। कई लोग तो अभी उस साइड काट रहे हैं ना मम्मी, कई लोगों को दिखाते हैं एक बाल कहाँ पे है। अभी देखो ये ताई लोग यहाँ पे काट रहे हैं घास, कैसा लग रहा घास काटते? यहाँ पे देखो ऐसे व्यू में काट रहे हैं ताई लोग अभी घास, ये हाँ ये देखो ये पीछे को देखो एक बार कैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे घास कट रही है, तो अब इसे ले चलते हैं घर को। तो अब मैं जा रहा हूँ घर को, तो इसको भी ले आने हैं, तो इसे जैसे घर के आने का ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगा, तो अभी जल्दी से चलते हैं और अब सीधे वहाँ नहीं इच्छे जाके मिलेंगे घर जाके,
तो अब चलता हूँ सीधे घर को। मैं चल रहा हूँ घर को और मैंने अभी इसे रख दिया है कंधे पे। वैसे तो ब्लॉग नहीं बन पा रहा था तो अभी चलते हैं। हाँ, ऊपर से नीचे को आने में एक अलग ही मज़ा है। ऊपर को आने में तो आफत आती है लेकिन नीचे आने में सही है, पर पीठ पे बूझा नहीं होना चाहिए यार। तो चलते हैं अभी। फाइनली घर भी पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे अम्मा बैठी हुई है। देखो ये कैसे बैठी हुई है यहाँ पे। तो अभी घास को भी फेंकते हैं साइड पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ऐसे घर आने पे, पानी से फेंक देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये इतनी घास लेके आया हुआ था। तो अब अम्मा डालेगी हमारे लिए खाना। बुब्बू ने भी नहीं खाया हुआ है, मैंने भी नहीं खाया हुआ है, तो जल्दी से खाते हैं। अभी हम जा रहे हैं घास लेने के लिए एंड ये भी घर आ चुके थे, इसे देखो ये खा लेने आ रहे हैं। बारिश भी लग रही है अभी एंड देखो बादल लग रखे हैं। थोड़ी बहुत एक दो बूंदें पड़ी थी अभी, तभी चलते हैं एंड से। देखो चाची लोग अभी लूटा भी लगा रहे हैं वहाँ पे अपना। बारिश की भी बूंदें पड़ने लग चुकी है थोड़ी थोड़ी, दिन में उतनी मस्त धूप आई हुई थी एंड अभी देखो बादल लग चुके हैं, बारिश लग रही है। इसके पीठ से देखो ये बारिश की बूंदें पड़ी हैं, पता चल रहा होगा। अब मम्मी लोग बांध रहे हैं अभी, तो बांध दिया है तो अभी से ले आते हैं घर को। मेरा भाई तो जाने लग चुका है देखो, तो हमें भी चलता हूँ। ताई चाहिए अब। अभी हम तो घास आ रहे हैं और ताई लोग अभी यहाँ पे लूटा लगा रहे हैं हमारा। देखो अभी ताई लगा दिया और दे दी है, तो हम घास लेके आते हैं जल्दी से। अभी मैं दो घास ला चुका हूँ और मेरे बड़े भाई के दो वहाँ पे और मेरे भाई को दो बैडमिंटन खेलने में लगा है। इतने कॉक तोड़ दिए ना इन्होंने खेलते खेलते। ताई लोगों ने तो अभी लूटा लगा दिया है यहाँ पे। अभी देखो पूरा लग चुका है और अभी जा चुके हैं और ऊपर वहाँ हमारे मांग में, क्योंकि अब अपने लिए घास काटेंगे अपने गाय बच्चों के लिए।